ओम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिं भज विश्वनाथम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुखीयमामृतात। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का संवाद जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं ये है मिथुन राशि वालों के लिए। 13 तारीख की यदि हम बात करें, 13 मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि, और उस दिन चंद्रमा परिवर्तित होकर छठे भाव में चले जाएंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य के मामले में आने वाले 2-3 दिन थोड़े से भारी हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मौसम परिवर्तन पर जा रहा है और ऐसे में गर्मी सर्दी के कारण से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बरसात का मौसम है कहीं ना कहीं अनहाइजीन के कारण से स्वास्थ्य में दिक्कत ना करें, तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो अच्छा रहेगा। रवि योग है उस दिन, नया कार्य आरंभ करने के लिए योग बन रहा है, करीब करीब 11:45 के बाद से है और शाम तक रहेगा, लाभ लीजिए। वहीं हम बात करें 14 तारीख की, 15 तारीख की, तो 15 तारीख का ग्रह योग दिखाता है बृहस्पतिवार का अवसर, स्वतंत्रता दिवस है, उसकी शुभकामना बहुत बहुत आप सबको, हम सबको हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। दशमी तिथि उस दिन है और रवि योग विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो आगे परिवर्तन का समय चल रहा है, दोपहर के बाद से आप में नया उत्साह वर्तन हो सकता है, नया उत्साह के साथ आप काम करते दिखाई देंगे और वो नया विचार, नई चीज़ों को सोचने की शक्ति आपके अंदर उत्पन्न करता दिखाई देगा। ग्रह योग रवि योग भी बन रहा है जो करीब करीब दोपहर को 1 बजे तक रहने वाला है, 1:45 बजे तक रहने वाला है, तो नया कोई कार्य आरंभ करना हो तो आप उस समय इससे पहले पहले कर सकते हैं, लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, 15 और 16 तारीख मूल नक्षत्र ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र दो नक्षत्र हैं जो 15 और 16 तारीख को विद्यमान रहेंगे। कोई जातक नया जन्म ले रहा हो घर में तो उसकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा पूरा जीवन कष्ट के योग बनते हैं। 16 तारीख शुक्रवार एकादशी, सावन के महीने की सुंदर एकादशी का योग है, समस्त पापों को क्षय करने वाली एकादशी मानी जाती है ये, तो ऐसे में सुंदर तरीके से भगवान का स्तवन करते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा है। कोई और व्रत उत्सव करो ना करो, एकादशी का व्रत अवश्य रखने का प्रयास करना चाहिए। इस बार तो शुक्रवार युक्त एकादशी का योग बन रहा है, ये बहुत सुंदर है और आपकी राशि के अनुसार से समझें ग्रह नक्षत्र इस वक्त चंद्रमा का परिवर्तन बहुत शुभ स्थान में हुआ है और ये आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याण का योग बना रहा है और साथ साथ सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य महाराज द्वितीय भाव से निकलकर आपकी राशि के तृतीय भाव में जा रहे हैं और ये आपकी राशि के अनुसार से पराक्रम को बढ़ाने वाले रहेंगे, कहीं ना कहीं पराक्रम के द्वारा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, तो इसलिए अपने पराक्रम में वृद्धि करने का प्रयास करें। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए ग्रह दिखाते हैं कि जीवन साथी उनके लिए बहुत लक्की हो सकता है, उनके साथ सहयोग प्राप्त करते हुए प्रसन्न रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। इस महीने में इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 17 तारीख के दिन बात करें, शनिवार का अवसर, प्रदोष का योग, द्वादशी और त्रयोदशी का सुंदर योग बन रहा है, लेकिन त्रयोदशी इस दिन क्षय है क्योंकि अगले दिन चतुर्दशी का जब सूर्योदय होगा तो उस दिन से पहले पहले सूर्योदय से पहले पहले त्रयोदशी समाप्त हो जाएगी, तो त्रयोदशी क्षय होने के कारण से नए कार्यों के लिए मुहूर्त अच्छा नहीं है। शनिवार के दिन प्रदोष का योग पड़ना ये बहुत अच्छा है। देखिए, आपके भाग्य में इन दिनों शनि चल रहे हैं, स्वग्रही हैं लेकिन वक्री हैं, जो आगे बढ़ने में आपको थोड़ी सी परेशानी दे रहे हैं। 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे हो जाते हैं, फिसल के शनि महाराज पीछे ले आते हैं, तो ऐसे में भाग्य सही समय पर सही चीज़ की आपको लाभ देने की स्थिति नहीं उत्पन्न कर पा रहा है, तो शनि को थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है और शनि इस स्थिति में करीब करीब अभी 15 नवंबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद 2-3 महीने आपके लिए बहुत सुंदर योग देंगे, लेकिन अभी जो 2-3 महीने थोड़े से आपको प्रोग्रेस को रोकने का योग कर रहे हैं, इसके लिए सुंदर उपाय कर लीजिए। ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि प्रदोष के समय पर, जब शाम का समय हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद से लेकर भगवान शंकर का सुंदर रुद्राभिषेक करें, सुंदर तिल के द्वारा अभिषेक करें और दूध युक्त तिल के तालकर उनका अभिषेक करना सब प्रकार से कल्याणकारी रहेगा। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में ऐसे में पूरे सावन के महीने रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से यदि कार्य कर नहीं पा रहे हैं तो करवा भी सकते हैं। बात कर लेते हैं 19 तारीख की सोमवार का सुंदर योग जो पड़ रहा है, ये राखी युक्त योग है, बहुत सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने के लिए ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग जो है वो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि पर यहाँ पर जो योग बना रहे हैं चंद्रमा पर दृष्टि डालकर, यह आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याण का योग उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। राखी भी है इस दिन और 1:30 बजे तक भद्रा है, उसके बाद कल्याणकारी योग बनते दिखाई दे रहे हैं और उसका आप लाभ ले सकते हैं।
20 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर प्रतिपदा तिथि यानी भाद्रपद का मास उस दिन आरंभ हो जाएगा, और भाद्रपद का मास जो है वो कई नई संभावनाओं को लेकर आए, क्योंकि बृहस्पति उस दिन मृक्षरा नक्षत्र के प्रथम चरण पर प्रवेश कर रहे हैं, और ये नक्षत्र का प्रवेश करना आपके लिए बड़ी उन्नति का योग बनाने वाला है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति की युति एक साथ जो चल रही है वो कहीं ना कहीं अन्य विशेष तौर पर कहीं ना कहीं क्लैश का योग देती है, कहीं ना कहीं भिड़ंत का योग दे रही थी। अब मंगल आगे हो गए हैं और बृहस्पति उनसे अंशों में पीछे हैं, तो ये बृहस्पति को खून का शुभ फल प्राप्त करने के योग बनाएंगे, और साथ साथ मंगल भी आपके अपने वर्चस्व को बढ़ाएंगे, नए संपर्कों में इजाफा करेंगे। ऐसे में कन्या पूजन करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है, हर रोज़ कन्या पूजन करें, 2-3 दिन लगातार इसका लाभ मिलेगा आपको। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योगा योग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योग आयोग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएं अंतरदशाएं जो किस जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पर कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा। कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ, गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे, गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब उसमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है, और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे समझते हुए देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है, समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का शिव विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ शिव विग्रह, उनके सानिध्य में नित्यपति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, और आप भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सावन के पूरे महीने में नित्यपति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है, आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे, और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।